नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थायरिस्टर के फायरिंग मेथड में फर्स्ट मेथड की बात करेंगे और वो है रेसिस्टेंस फायरिंग ट्रिगरिंग। बच्चों आप सब जानते हैं कि जब हम थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं तो मेरे पास बहुत सारे मेथडोलॉजीज हैं जिससे हम टर्न ऑन कर सकते हैं। ये हमने डिटेल में पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम गेट के थ्रू ट्रिगरिंग नहीं करेंगे तब तक मेरा डिवाइस इफेक्टिव टर्न ऑन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे मुझे ट्रिगरिंग मेथड में यानी फायरिंग मेथड में 1-to-1 करके एक मेथड को समझना पड़ेगा कि कैसे हम किस मेथड को यूज करके डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट और सबसे सिंपलेस्ट मेथड की बात करते हैं, वो है रेसिस्टेंस सर्किट फायरिंग, मींस रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट। बच्चों आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कैसे हमारे पास एक थायरिस्टर के टर्न ऑन कर लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में बच्चों रेसिस्टेंस R1 है, वेरिएबल रेसिस्टेंस R2 है, डायोड D है और एज वेल एज एक रेसिस्टेंस स्टेबलाइजिंग जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं वो हमने R लिया। यहाँ बच्चों जो R2 रेसिस्टेंस है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस है, मैं इसकी वैल्यू एज पर नीड एज पर रिक्वायरमेंट बढ़ा और घटा सकता हूँ। आप इस सर्किट को देखेंगे तो इसमें आपको लोड की वैल्यू दिखाई देगी जिसके अक्रॉस मुझे जो वोल्टेज मिलेगा मैंने उसको एक नोमेनक्लेचर दे दिया V0। हमने जो सप्लाई वोल्टेज दिया है VS, VS एक साइनसोइडल वेवफॉर्म के सप्लाई में मान के चल रहा हूं तो उसकी वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी। बच्चों जो थायरिस्टर है उस थायरिस्टर के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज की बात करूं वो VT होगा और जो करंट फ्लो होगा उसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा एज ए थायरिस्टर करंट। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि कैसे हम गेट को ट्रिगर करते हैं। तो गेट को जब हम ट्रिगर करते हैं बच्चों तो हमें गेट को बायसिंग करना होता है प्लस साथ साथ सप्लाई देना होता है। तो यहाँ मैं कॉमन सप्लाई सोर्स से गेट को भी ट्रिगर कर रहा हूँ साथ साथ मेन डिवाइस यानी एनोड और कैथोड को भी बायसिंग कर रहा हूँ जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, और इसी में जो गेट का वोल्टेज है उसको मैंने VG बोला है। बच्चों जब हम रेसिस्टिव फायरिंग करेंगे यानी रेसिस्टेंस के थ्रू ओनली फायरिंग करते हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट आता है कि मेरे पास रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वेरिएबल वैल्यू है बहुत लिमिटेड रेंज तक मैं उसकी वैल्यू को वैरी कर सकता हूँ, इसीलिए जो इसकी फायरिंग एंगल होती है वो भी लिमिटेड रेंज में आती है। तो आइए अब हम वेवफॉर्म के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम किसी भी थायरिस्टर को जब रेसिस्टिव एलिमेंट सर्किट से फायरिंग करेंगे तो कौन कौन से स्टेजेस वहां पे क्रिएट होंगे, जब हम फायरिंग कर भी रहे हैं किस कंडीशन में मेरे डिवाइस में आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा आउटपुट करंट नहीं मिलेगा, किस कंडीशन में मेरा डिवाइस लो एंगल पे फायरिंग होगा, किस कंडीशन में हमारा डिवाइस हाई एंगल पे फायरिंग होगा। तो आप इस वेवफॉर्म में देख पा रहे होंगे बच्चों जो सबसे पहला फिगर है उस फिगर में मैंने वोल्टेज दिया है VS दैट इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी जो एक साइनोसोडल वेव है। अभी साइनोसोडल वेव को जब आप प्लॉट करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओमेगा टी एक्सिस या थीटा एक्सिस तो मेरे पास हाफ साइकिल बनेगा 0 से π और अगला जो हाफ साइकिल होगा π से 2π, मीन 0 से लेकर 180 डिग्री तक पॉजिटिव हाफ साइकिल, 180 से 360 तक दूसरी हाफ साइकिल, तो एक कंप्लीट साइकिल हमारा बन जाएगा एक पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के कॉम्बिनेशन से। अब बच्चों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने गेट के सिग्नल से यानी गेट वोल्टेज मैंने यहाँ फायरिंग किया, गेट को बायस किया, लेकिन जो मैंने गेट वोल्टेज दिया वो वोल्टेज जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वोल्टेज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उस वोल्टेज से गेट का वोल्टेज कम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चों कि मेरा डिवाइस इस मेथड से इस वोल्टेज पे टर्न ऑन नहीं हो रहा है, मेरा थायरिस्टर टर्न ऑन नहीं हो रहा है और इसीलिए थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है या फिर उसके अक्रॉस जो करंट है वो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ हम क्या समझे कि मुझे अगर गेट के थ्रू ट्रिगरिंग करना है तो मिनिमम मुझे अपने डिवाइस के उस वोल्टेज को अचीव कराना होगा जिसपे मेरा डिवाइस उसमें टर्न ऑन हो जाए जिसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे, और इस थ्रेशोल्ड को ऑन करने के बाद मेरा डिवाइस तब तक ऑन नहीं होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब तक वो लैचिंग करंट को अचीव नहीं कर ले। अब बच्चों हम दूसरे फिगर नंबर सेकंड में देखेंगे कि मैंने डिवाइस को टर्न ऑन किया, टर्न ऑन करने के लिए मैंने गेट के थ्रू सिग्नल दिया लेकिन मेरा जो फायरिंग एंगल है वो रेंज है 90 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ मुझे 90 डिग्री के बाद ही यानी 90 से 180 डिग्री तक ही आउटपुट मिल रहा है, शुरू से जो 0 से 90 डिग्री है वहां तक मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि 0 से 90 डिग्री का मेरा फायरिंग एंगल है, उस कंडीशन में मेरा डिवाइस अपने आप को टर्न ऑन कर रहा है गेट के थ्रू, हम ट्रिगरिंग कर रहा है, मीन्स मैंने 90 डिग्री पे डिवाइस को टर्न ऑन किया, 0 से 90 तक कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, 90 से 180 डिग्री तक हमें आउटपुट मिलेगा और करेंट की वैल्यू उसी वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, करेंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, तो मेरा करेंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड से कम होगा क्योंकि इम्पीडेंस यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा।
अब बच्चों थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो जब मेरा थायरिस्टर ऑफ मोड में रहेगा तो वहां पे मुझे वोल्टेज मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे जब तक मैंने डिवाइस को फायरिंग किया है तब तक मुझे वीटी के आप कर्व को देखेंगे, वीटी में तब तक मुझे यानी 0 से 90 डिग्री तक मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और 90 से 180 डिग्री तक मुझे कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अगर ये हाफ वेव है तो हम सिर्फ हाफ वेव का फायरिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ वेव अगर सर्किट होगा तो हाफ वेव में फायरिंग करेंगे, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में मैंने कोई फायरिंग नहीं किया। अब बच्चों तीसरे केस में हम आके देख रहे हैं जहां पे मैंने फायरिंग एंगल को और ज्यादा ट्यून कर दिया। ट्यून करने का मतलब 0 से 90 डिग्री से कम कर दिया, मींस मुझे अब 90 डिग्री पे डिवाइस को फायर नहीं करना, मुझे 60 डिग्री पे फायर करना है, 30 डिग्री पे फायर करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर 45 डिग्री एंगल पे फायर करना है, तब हम डिवाइस को कैसे करेंगे। तो बच्चे उस कंडीशन में हम जो अल्फा यानी फायरिंग एंगल लेंगे वो लेस देन 90 लेंगे। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों कि मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री पे फायरिंग की है, लेट से 30 डिग्री पे मेरी फायरिंग करी है, तो 30 डिग्री तक मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा और जैसे ही 30 डिग्री का एंगल पहुंचा मेरे गेट के थ्रू डिवाइस ट्रिगर हो गया और मुझे वहां से आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हुआ। सिमिलरली बच्चों हमें करंट भी मिलेगा क्योंकि वोल्टेज इक्वल करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। अब बच्चों हम थायरिस्टर का वोल्टेज यहाँ पे देख लेंगे, जब तक मेरा डिवाइस टर्न ऑन नहीं है तब तक मेरे थायरिस्टर का वोल्टेज मिलेगा और जब मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा तो बहुत स्मॉल लीकेज वोल्टेज मिलेगा जिसको यहाँ पे हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं, कोई भी लीकेज वोल्टेज कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इस रेसिस्टेंस बेस्ड उस फायरिंग सर्किट था, इस सर्किट में आप यहाँ पे क्या समझ पाए बच्चों कि मेरे पास जो रेसिस्टिव एलिमेंट है उसके थ्रू हम डिवाइस को फायरिंग तो कर पाते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जो फायरिंग एंगल है वो लिमिटेड है, तो ये इस डिवाइस के साथ प्रॉब्लम भी है। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम इस डिवाइस यानी फायरिंग सर्किट के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट। तो जब हम रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट के एडवांटेजेस की बात करेंगे बच्चों तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे जो मेजर एडवांटेज है वो यही है कि ये एक सिंपल सर्किट है, इसकी फायरिंग सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि मैंने बस एक वेरिएबल रेसिस्टेंस का एलिमेंट कंसिडर किया है। दूसरी एडवांटेज ये है कि मैं इसके एंगल को यानी फायरिंग एंगल को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ट्यून कर सकता हूँ, मीन्स मुझे 0 डिग्री पे फायरिंग करना हो तो भी मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूँ और मैक्सिमम 90 डिग्री तक फायरिंग में इस को कर सकता हूं, तो 0 से 90 तक ये इजीली फायरिंग परमिसिबल है। तीसरा जो मेजर एडवांटेज ये है बच्चों कि इसमें जो अदर एलिमेंट्स हैं लाइक कैपेसिटर और डायोड, ये जो है हमारे जो फायरिंग एंगल के लिमिटेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम था रेसिस्टिव एलिमेंट में और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कैपेसिटर इस सर्किट में चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अगला जो मेथड होता है बच्चों वो इसी आर के इम्प्रूवमेंट मेथड को हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फायरिंग ऑफ SCR बाय यूजिंग RC सर्किट। अब एडवांटेज है तो स्वाभाविक है कुछ लिमिटेशंस भी होंगे डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो आइए अब हम डिसएडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज हमने देखा बच्चों कि फायरिंग 0 से 90 डिग्री तक पॉसिबल है लेकिन लिमिटेशन भी यही है कि 90 से 180 डिग्री तक फायरिंग संभव नहीं है, मीन्स मैक्सिमम ऑफ हाफ साइड यानी हाफ वेव को ही ट्रिगर कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, 90 से 180 का फायरिंग इसमें संभव नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो फायरिंग एंगल जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करता है, गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज पे। अगर गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज अगर कम हो रहा है तो स्वाभाविक है ट्रिगर करने के बावजूद भी, टर्न ऑन करने के बावजूद भी मेरा डिवाइस ऑपरेट नहीं करेगा, मुझे आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट नहीं मिलेगा जो आपने सबसे पहले फिगर में आपने देखा था। दूसरा प्रॉब्लम बच्चों ये है कि जो गेट करंट की वैल्यू है वो नॉर्मली हम चाहते तो हैं कि हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रखें लेकिन जब हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसमें हीटिंग का प्रॉब्लम डेवलप होता है, मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट सर्किट है क्योंकि रेसिस्टिव एलिमेंट लगाया है, तो जहां भी रेसिस्टिव एलिमेंट होगा वहां टेम्परेचर होगा ही और वहां हीट लॉस होगा ही। तो रेसिस्टिव जो मेथड है बच्चों फायरिंग सर्किट का वो बहुत ज्यादा फेमस मेथड नहीं है, बहुत रेयर एप्लीकेशन है, लेकिन फिर वही है जहां पे चिप इन कॉस्ट होगा, हमारी प्रायोरिटी डिवाइस को टर्न ऑन करना नहीं है, इफेक्टिवली टर्न ऑन करना नहीं है बल्कि मुझे कॉस्ट सेविंग भी करनी है, वहां पे हम इस रेसिस्टेंस फायरिंग सर्किट को प्रेफर कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम कैपेसिटर को यूज करते हैं, तो अगले वीडियो में हम समझेंगे RC फायरिंग सर्किट जिसमें रेसिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर लगा के कैसे हम फायरिंग एंगल को बढ़ा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।